हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को डबल बॉर्डर वाले स्वेटर में बीच वाली चोटी कैसे बनाया जाता है वो मैं आज आप सभी को बताने वाली हूं। तो डबल बॉर्डर में बीच वाली चोटी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बीच वाली चोटी बनाना। फ्रेंड्स, आप सब में यदि कोई नई है चैनल पर और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए या नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंट्स स्वेटर में डबल बॉर्डर वाले गले में बीच वाली चोटी बनाना। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बीच वाली चोटी की जगह पर आ चुकी हूँ। ये भी गला बना रही हूँ, इसमें ये बीच वाली चोटी है, इसमें मैं यहाँ सेफ्टी पिन लगाई हूँ। दोस्तों, डबल बॉर्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना फंदे आप गले में डालना चाहते हैं इस साइड और इस साइड, उसमें क्या करना है सो डबल फंदे डालना है। जैसे कि आप एक साइड 60 फंदे, फिर एक साइड 60 फंदे, पीछे में जो है 45 फंदे डालते हैं तो उसका दूना डालना होता है। 60 दूना 120 फंदे इस साइड, फिर 120 फंदे इस साइड और 45 दूना 90 फंदे पीछे की भाग में डालना होता है। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है सो आधे फंदे, ये देखिए धागा पर जो है, यहाँ मैं आधे फंदे, एक फंदा इस सिलाई पर है और एक फंदे धागे पर मैं उतारी हूँ। तो यहाँ अभी सिलाइयाँ पर जो है 60 फंदे, 60 फंदे और 45 फंदे, इतना फंदे अभी सिलाइयाँ पर है और जितना फंदे सिलाई पर है उतना ही फंदे अभी धागा पर है। तो ये बीच वाली चोटी मैं बनाना स्टार्टिंग करती हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ये बीच वाली चोटला फंदा है। तो अभी एक दो तीन और ये चार फंदे हैं, तो तीन फंदे को सीधा बना लेना है। तीन फंदे को सीधे बनाना है, तो एक दो और ये तीन, और ये सीधी साइड से हूँ तो पूरी रो मैं यहाँ सीधा बनाते हुए ही कंप्लीट की हूँ। तो अब देखिए, इस पिन को मैं आगे ले ली हूँ और कैसे बनाना है ये देखिए, इस फंदे को ऐसे करके स्लिप कर लेना है और ये बीच वाला फंदा है तो इसे इस सिलाई पर ऐसे करके ले लेना है। उसके बाद पीछे से क्या करना है, ये इस फंदे को ऐसे करके इस सिलाई पर ले करके और ये बीच वाले फंदे को ऐसे करके ऊपर से डाल देना है और तीन फंदे में सिलाई को डालना है, एक दो और तीन, ये तीनों फंदे में सिलाई को डाल के और ऐसे करके इसे बना लेना है। तो ये बीच वाली चोटी बन चुकी है। उसके बाद टोटल फंदे को सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये सीधी साइड से है तो सीधी साइड में पूरी रो सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। इस साइड से पूरी रो मैं सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं उल्टी साइड से आप सभी को दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं सीधी साइड से पूरी रो कंप्लीट कर चुकी हूँ और उल्टी साइड से आ चुकी हूँ। तो उल्टी साइड से क्या करना है, उल्टी साइड से क्या करना है, टोटल फंदे को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, टोटल फंदे को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट ऐसे करके कर लेना है। बीच वाला जो फंदा है इसे उल्टी साइड से क्या होगा, इसे स्लिप कर लेना है, इसे बुनना नहीं है, उल्टी साइड से इसे स्लिप कर लेना है और बाकी यहाँ तक उल्टा बनाना है, फिर इस फंदे को स्लिप कर लेना है, उसके बाद पूरे फंदे को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है, फिर सीधी साइड से यहाँ तक सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। उसके बाद ये बीच वाली चोटी मैं आप सभी को बनाना दिखाऊंगी। यहाँ उल्टी साइड से उल्टा बनाना है और बीच वाले फंदे को स्लिप करना है, फिर सीधी साइड से यहाँ तक सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं बीच वाली चोटी फिर पुनः आप सभी को एक बार और दिखाती हूँ। मैं तब तक बना लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर आप सभी से मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं बीच में आ चुकी हूँ, बीच वाली चोटी जहाँ बनती है वहाँ मैं आ चुकी हूँ और एक बार मैं दिखा चुकी हूँ और दूसरी बार मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है, ये तीन इधर की है और ये बीच वाली चोटी है। तो दो मैं फंदे बना लेती हूँ, एक फंदे और ये दो फंदे, फंदे तो एक फंदे को ये देखिए, अब इन तीन फंदे से बीच वाली चोटी बनाना है, एक फंदे इस साइड की, एक बीच वाली चोटी और एक इस साइड की, ये तीनों को मिला करके एक करना है। तो कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ। इस फंदे को ऐसे करके स्लिप कर लेना है
और इसे भी स्लिप कर लेना है। पीछे पीछे से इस फंदे को ऐसे करके सिलाई को डाल के ऊपर ले लेना है। उसके बाद ये बीच वाली चोटी को ऐसे करके ऊपर दे देना है। तो ये हो चुका। अब ये तीनों फंदे को मिला करके ऐसे करके पीछे करके सीधा बना लेना है। तो ऐसे करके यहाँ मैं दो बार बताई हूँ, एक बार और दो बार। यहाँ मैं टोटल तीन सिलाइयाँ बनाई हूँ, सीधा, उल्टा, और ये सीधी साइड है तो सीधा, फिर एक बार उल्टा बना के कंप्लीट करना है। तो ये चार सिलाइयाँ हो जाएगी और ये दो चोटी हो जाएगी। तो यहाँ हमको टोटल छः चोटियाँ बनानी है। तो दो चोटियाँ में चार सिलाइयाँ बनानी है, तो छः चोटी यहाँ बनानी है, तो यहाँ टोटल 12 सिलाइयाँ बनानी है। छः उल्टी साइड से उल्टा और छः सीधी साइड से सीधा, यानी टोटल यहाँ 12 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करनी है। तो यहाँ 12 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। दो बार ये बीच वाली चोटी मैं दिखा चुकी हूँ। अब उल्टी साइड से क्या करना है, टोटल उल्टा बना के यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये बीच वाली चोटी को स्लिप कर लेना है और उसके बाद इन टोटल फंदे को उल्टा बना के कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही बनाते हुए यहाँ मैं बीच में छः चोटियाँ बना लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर पुनः आप सभी को दिखाती हूँ। टोटल 12 सिलाइयाँ बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं छः चोटी बना के कंप्लीट कर चुकी हूँ और 12 सिलाइयाँ मैं बना के कंप्लीट की हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। तो यहाँ टोटल मैं छः चोटी बना ली हूँ और ये सातवीं चोटी है। इस सातवीं चोटी को बनाना नहीं है, बस छः चोटी ही बनाना है। डबल बॉर्डर के लिए छः चोटी ही परफेक्ट होता है। तो अब क्या करना है, ये देखिए, अब बहुत ही ख़ास काम इसमें अब करना है डबल बॉर्डर के लिए। जैसे सिंगल बनाया जाता है वैसे नहीं बनाया जाता है, डबल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ मैं टोटल 12 सिलाइयाँ बना चुकी हूँ और ये देखिए, दो फंदे के बाद ये तीसरा फंदा जो है ये बीच वाली चोटी है। तो यहाँ क्या है, छः चोटियाँ मैं बनाई हूँ, तो छः फंदे इस साइड से और छः फंदे इस साइड से, दोनों साइड मिलाकर के 12 फंदे जो हैं घट चुके हैं। तो ये जितना चोटी बनेगा उतना का डबल फंदा घट चुका है, तो उतना फंदा बढ़ाना पड़ेगा। क्या है कि जितना फंदा मैं इस पर ली थी उतना फंदा मैं धागे पर उतारी थी, ये देखिए धागे पर उतरा हुआ है। तो अभी क्या है, 12 फंदे घट चुका है। अभी जो मैं इसे ऐसे ही बनाती जाऊंगी तो ये ज्वाइंट करने टाइम में क्या होगा, ये तिरछा हो जाएगा और ये गला जो है ख़राब हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, 12 फंदे जो घटा हुआ है इन 12 फंदों को सबसे पहले बढ़ा लेना है। तो ये चोटी बन के तैयार हो चुका है। देखिए अब बढ़ाना कैसे है, तो ये देखिए, ये दो फंदे हैं, तो ये दो फंदे से चार फंदे बनाने हैं। एक ही बार नहीं बनाना है, चाहो तो आप दो फंदे भी बढ़ा सकते हो, चाहो तो आप तीन फंदे भी बढ़ा सकते हो। देखिए कैसे बढ़ाना है, एक और फिर इस बीच से ऐसे करके दो, तो एक फंदे से मैं दो फंदे बनाई हूँ, तो एक फंदा बढ़ चुका। फिर इसे भी एक फंदे से दो फंदे बढ़ाना है, तो ये चार फंदे हो चुका, यानी एक फंदे से एक फंदा, फिर एक फंदे से एक फंदा, दो फंदा बढ़ चुका है। बीच वाली चोटी को ऐसे ही बुन लेना है, इसे कुछ भी नहीं करना है। फिर इसे दो फंदे से चार फंदा बनाना है, दो फंदे बढ़ाना है। तो एक सिलाइयाँ में ये चार फंदे बढ़ेगा, इसी तरीके से तीन बार इसे बढ़ाना है। तो ये देखिए, यहाँ मैं चार फंदे बढ़ाई हूँ, बीच वाली चोटी से दो फंदे इस साइड और बीच वाली चोटी से दो फंदे इस साइड, तो टोटल यहाँ चार फंदे बढ़ चुके हैं। अब क्या करना है, अब ये पूरी सिलाई सीधा बना के कंप्लीट कर लेना है। इस साइड से पूरी रो बना के मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और उल्टी साइड से यहाँ तक बना चुकी हूँ। अब करना क्या है, ये देखिए, ये बीच वाली चोटी है, तो यहाँ चार फंदे हैं, बीच वाली चोटी ये है और चार फंदे हैं, तो ये दो फंदे जो मैं बढ़ाई थी वो भी है। तो अब इसे कुछ भी नहीं करना है, उल्टी साइड से बस उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। उल्टी साइड से पूरी रो उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना, बीच वाली चोटी को भी टोटल फंदे को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। फिर मैं पुनः सीधी साइड से आप सभी को दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पुनः फिर सीधी साइड से आ चुकी हूँ और ये जो है ये बीच वाली चोटी है, तो दो फंदे, एक फंदे से दो फंदे और एक फंदे से दो फंदे मैं
इससे पिछली बार सीधी साइड से बनाई थी और उल्टी साइड पूरी उल्टी बना के कम्प्लीट की हूँ, फिर सीधी साइड से आ चुकी हूँ। तो ये दो फंदे को मैं ऐसे ही सीधा बना लेती हूँ और ये दो फंदे से चार फंदे बनाना है, दो दो फंदे करके ही एक साइड बढ़ाना है। तो छः बार सीधी साइड से बढ़ाना है तो हो जाएगा छः फंदे इस साइड से और छः फंदे इस साइड वाली चोटी है और ये दो फंदे हैं, इन दो फंदे से चार फंदे बनाना है तो दो फंदे बढ़ जाएगा, दो फंदे बढ़ जाएगा। तो ये देखिए एक फंदे मैं यहाँ बढ़ा दी हूँ और फिर दो फंदे ये बढ़ चुका है, दो फंदे से चार फंदे हो चुका है। तो दो फंदे मैं पहले बढ़ाए थे, दो फंदे अभी बढ़ाए हैं, तो टोटल यहाँ चार फंदे बढ़ चुके हैं। एक बार और इसे बढ़ाना है और ये बीच वाली चोटी है तो इसे सीधा बना लेना है। तो बस ऐसे ही तीन सिलाइयाँ में सीधी साइड से बढ़ाना है और उल्टी साइड से पूरी रो उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है, बढ़ा हुआ फंदा भी और बीच वाला फंदा भी, यानी टोटल फंदे को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो एक बार मैं और यहाँ बढ़ाऊँगी, यहाँ टोटल छः फंदे बढ़ जाएंगे। तो अभी तक यहाँ चार फंदे बढ़ गए हैं और उल्टी साइड से पूरे फंदे को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है और फिर सीधी साइड से दो फंदे इस साइड और दो फंदे इस साइड बढ़ जाएगा। तो टोटल यहाँ छः फंदे हो जाएगा और इस साइड भी छः फंदे हो जाएगा। उसके बाद तीन सिलाई में यहाँ मैं बढ़ाई हूँ और तीन सिलाई और सीधी साइड से बनाना है और तीन सिलाई उल्टी साइड से, तो टोटल यहाँ छः सिलाइयाँ और बनानी हैं। तो इसी तरीके से बन के कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सभी को ये पसंद आया हो डबल बॉर्डर में बीच वाली चोटी बनाने का तरीका, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई नए हैं चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, सबसे पहले आप देख सके। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।